मनिका पांडे टिकट बंटवारे को लेकर झारखंड की सियासी फिजा एक बार फिर गर्म हो गई है। बात इसी की करेंगे सबसे पहले, क्योंकि महागठबंधन के साथ एनडीए में भी रूठने मनाने का दौर शुरू हो गया है। इधर झारखंड आरजेडी में भूचाल आ गया है। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी पार्टी आलाकमान के फैसले से नाराज हो गई है। दरअसल ये नाराजगी चतरा सीट को लेकर बढ़ी है। बताया जाता है कि अन्नपूर्णा देवी अपने घर में हैं और पार्टी नेताओं से मुलाकात करना बंद कर दिया है। यही नहीं, वो इतनी नाराज हैं कि फोन भी बंद कर लिया है। बताया ये भी जाता है कि अन्नपूर्णा देवी चतरा सीट सुभाष यादव को दिए जाने की खबर से नाराज चल रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक जीत बरकरार है। एक ओर जहां 7-4-2-1 के फॉर्मूले के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने यह घोषणा किया है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने भी 24 मार्च का यह तय निर्धारित किया है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तमाम जो जीत है वो खत्म हो जाएगा और प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच आरजेडी को एक सीट मंजूर नहीं है और हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज, हम सीधे उनसे ही जानना चाहेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से महागठबंधन में ये कयास लगाया जा रहा है कि आरजेडी को एक सीट दिया जाएगा, क्या आप संतुष्ट है एक सीट से? देखिए, आरजेडी के लोग अंडर एस्टिमेट कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो जनाधार है पलामू और चतरा में, किसी भी परिस्थिति में हम लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग हर परिस्थिति को झेलते हुए भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल वहाँ दोनों जगह पे कैंडिडेट देगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो राजनीतिक परिस्थिति है और जो सामाजिक समीकरण है वहाँ का, हम लोग लगातार वहाँ से जीतते रहे हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में समझौता करने के मूड में हम लोग नहीं है। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। और झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अपने पार्टी आलाकमान के फैसले से नाराज चल रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। इन सब के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि खबर है कि अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। हालांकि अन्नपूर्णा देवी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इधर उनके बेटे ने, मयंक ने, खबर का खंडन किया है। इस वक्त झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी जी के आवास पे हैं और इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में बड़े जोर शोर से चल रही है कि अन्नपूर्णा देवी जी रांची में नहीं है, रांची से बाहर हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अन्नपूर्णा जी के बेटे मयंक हैं। मयंक जी, कहाँ है मैडम? मम्मी तो घर पे है। मम्मी का तबीयत खराब है एक्चुअली, कुछ दिनों से, एक हफ्ता से एक्चुअली तबीयत खराब है मम्मी का। तो अभी तो मम्मी घर पे है, सो रही है। फोन अभी ऑफ है क्योंकि अभी तबीयत खराब है। डॉक्टर अभी बेड रेस्ट का सुझाव दिए हैं, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, तो बस इसी के लिए अभी फोन ऑफ है। ऐसा कब से फोन ऑफ है और कब तक ऑफ रहेगा? एक दो दिन और, मतलब जब तक तबीयत पूरा ठीक ना हो जाए। एक्चुअली 7 दिन के करीब में बीच में ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी दवा खा के आज एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा था उनको। फीवर था, दोपहर में फीवर था, हेडेक था, तो बस अभी सोई भी है वो दवा खाएंगे। जी, चुनाव के समय में अन्नपूर्णा जी का उनके समर्थक से, जनता से कट जाना, इस बात की बड़ी जोर से चर्चा हो रही है कि अन्नपूर्णा जी बीजेपी में शामिल होने वाली है और तरह तरह के क्या बातें सियासी गलियारों में चल रही है, क्या कहेंगे आप? चुनाव है, चर्चा तो होगा, बिना चर्चा का चुनाव कहाँ होता है? ऐसा कुछ अभी तक नहीं है। कुछ होगा तो आप मीडिया वाले, आपको हमसे पहले खबर मिलेगा। अभी तक ऐसा नहीं। और बात जहां तक रहा, हम भी देख रहे थे न्यूज़ कि मम्मी के बारे में दिल्ली में है, आज कोई न्यूज़ चला है कि 11 बजे ज्वाइन करने वाली है, कोई चला है 5 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी बीमार है, घर में सो रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया।